एलिमेंट्री पार्टिकल्स के इस चैप्टर में आज हम बात करेंगे कंजर्वेशन लॉज की। कंजर्वेशन लॉज अर्थात संरक्षण नियम। जो भी एलिमेंट्री पार्टिकल या मूलभूत कण हैं, वो जब भी किसी दूसरे कणों से क्रिया करते हैं या उन कणों में खुद में कोई परिवर्तन होता है, कोई नया पार्टिकल क्रिएट होता है या एक पार्टिकल खत्म होता है, डिस्ट्रॉय होता है, तो वो कुछ संरक्षण नियमों का पालन करता है। वो संरक्षण नियम क्या हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो नियम है वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अर्थात ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। इसके बारे में हमने काफ़ी पढ़ा है और हम सब जानते हैं कि आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशन के अनुसार जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, वो जब भी इंटरेक्ट करते हैं आपस में या कोई अभिक्रिया करते हैं, तो उस अभिक्रिया में कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। उदाहरण के लिए, इन न्यूट्रॉन डिके रिएक्शन द एनर्जी बैलेंस मे बी रिटन एज इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रॉन प्लस 0.782 MeV। तो इस क्रिया से पता चलता है कि जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में परिवर्तित होगा तो उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और साथ में एक एंटी न्यूट्रॉन निकल रहा है और 0.782 ऊर्जा भी निकलती है। ये ऊर्जा उसी मात्रा में निकल रही है, उतनी ही मात्रा में निकल रही है जिससे कि इस रिएक्शन के दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मास बराबर हो सके, या हम कह सकते हैं कि मास ऊर्जा का जो कॉम्बिनेशन है वो इस रिएक्शन के बोथ साइड्स में बराबर हो सके। दूसरा नियम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दिस लॉ रिक्वायर्स दैट ड्यूरिंग एलिमेंट्री पार्टिकल इंटरेक्शंस द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। जो भी अभिक्रिया होती है, जैसे मैं इसी अभिक्रिया का उदाहरण देता हूँ जिसमें एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में परिवर्तित हो रहा है, तो इस क्रिया में हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो कुल चार्ज है, चार्ज जो सब स्क्रिप्ट के द्वारा बताया जा रहा है, तो न्यूट्रॉन का चार्ज जीरो है, लेफ्ट हैंड साइड में कुल चार्ज जीरो है, और राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन पर चार्ज प्लस वन है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस वन है और एंटी न्यूट्रॉनों का चार्ज जीरो होता है। तो राइट हैंड साइड में भी हम देखेंगे तो प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अर्थात इस अभिक्रिया में लेफ्ट हैंड साइड में कुल चार्ज जीरो है और राइट हैंड साइड में भी कुल चार्ज जीरो है। तो कंजर्वेशन के नियम के अनुसार किसी भी अभिक्रिया में लेफ्ट हैंड साइड में जितना चार्ज होगा, उस अभिक्रिया के राइट हैंड में भी उतना ही चार्ज होना चाहिए। थर्ड लॉ है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। विद ईच एलिमेंट्री पार्टिकल अ लीनियर मोमेंटम एम वी और एच अपॉन लैम्डा इज एसोसिएटेड, इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन एन इंट्रैक्शन। दस ए सिंगल पार्टिकल एट रेस्ट कैन नॉट डिके इनटू अनदर विद काइनेटिक एनर्जी। तो इस नियम के अनुसार कोई भी पार्टिकल जिसका रेखीय संवेग एम वी या एच अपॉन लैम्डा होता है, हम जानते हैं कि हर पार्टिकल के साथ एक मोमेंटम एसोसिएटेड होता है एम वी या एच अपॉन लैम्डा, तो इसके अनुसार कोई भी सिंगल पार्टिकल अगर वो रेस्ट में है तो अगर उसका डिके होगा तो डिके होने के पश्चात जो डिकेड पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी संभव नहीं है, क्योंकि पहले वाला जो पार्टिकल है, जो ओरिजिनल पार्टिकल है, वो रेस्ट में था। कुल मिला के हम यह कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में लेफ्ट हैंड साइड में कुल लीनियर मोमेंटम और राइट हैंड साइड के पार्टिकल्स का कुल लीनियर मोमेंटम समान होना चाहिए। इसी तरह है कंजर्वेशन ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम, अर्थात स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ ईच फंडामेंटल पार्टिकल इज आइदर जीरो और एच क्रॉस बाय टू। ड्यूरिंग इंटरेक्शंस द टोटल एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड एंड दिस अराइजेज सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन द स्पिन दैट द प्रोडक्ट पार्टिकल्स ऑफ द इंटरेक्शन कैन हैव।
According to the total spins of the interaction, products may only differ by 0 or 1 from the spin, total spins of the initial components. तो हम जानते हैं कि हर जो एलिमेंट्री पार्टिकल है उसके जो स्पिन्स है वो h बाई 2 से हम उसको शो करते हैं, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होता है, और उस स्थिति में इंटीग्रल मल्टीपल भी हो सकती हैं, लेकिन दोनों तरफ किसी भी अभिक्रिया के दोनों तरफ कुल स्पिन एंगुलर मोमेंटम समान होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ बेरियन, कंजर्वेशन बेरियन का मतलब है कि वो पार्टिकल्स जो बेरियन की कैटेगरी में आते हैं ये नियम सिर्फ उन्हीं पर लगेगा। बेरियन के लिए जो पार्टिकल बेरियन है उसको हम प्लस वन देते हैं, जो एंटी बेरियन है उसको हम माइनस वन से शो करते हैं, और जो बेरियन नहीं है उसको हम जीरो से शो करते हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो रिएक्शन या उदाहरण दे के बताई गई है उसी रिएक्शन का मैं उदाहरण दूंगा पुनः, जिसमें एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है और साथ में उसके एक इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन निकल रहा है। इस स्थिति में न्यूट्रॉन का जो बेरियन नंबर है वो प्लस वन है, प्रोटॉन का बेरियन नंबर भी प्लस वन है, इलेक्ट्रॉन का जीरो है और एंटी न्यूट्रॉन का जीरो है। तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में भी बेरियन नंबर वन है और राइट हैंड साइड में भी बेरियन नंबर वन है। तो बेरियन कंजर्वेशन का नियम इसमें पालन हो रहा है। दिस रूल्स एंश्योर्स दैट ए प्रोटॉन कैन नॉट चेंज इनटू एन इलेक्ट्रॉन इवन दो अ न्यूट्रॉन कैन चेंज इनटू ए फोटॉन। बेरियन कंजर्वेशन एंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोटॉन अगेंस्ट डिकेइंग इनटू ए पार्टिकल ऑफ स्मॉलर मास। कंजर्वेशन ऑफ बेरियन की तरह ही दूसरा नियम है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें अगेन जो जैसा हमने क्लासिफिकेशन में हमने देखा था, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन भी एक कैटेगरी है पार्टिकल्स की, और जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स हैं उनको हम नंबर देते हैं क्वांटम नंबर प्लस वन, जो एंटी इलेक्ट्रॉन है उनको देते हैं माइनस वन, और जो इलेक्ट्रॉन नहीं है उनको हम देते हैं ज़ीरो। तो अगेन इस इक्वेशन में देख सकते हैं हम, जिसमें एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रॉन नंबर ज़ीरो, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन नंबर ज़ीरो, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन नंबर प्लस वन और एंटी न्यूट्रॉनों का इलेक्ट्रॉन नंबर माइनस वन। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी इलेक्ट्रॉन नंबर टोटल ज़ीरो है और राइट हैंड साइड जो इक्वेशन की है इंटरेक्शन की है उसमें भी टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर ज़ीरो है, दोनों तरफ बराबर है। अब हम आते हैं कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंजनेस पर। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंजनेस इज एप्लीकेबल टू ओनली स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू वीक इंट्रैक्शन। तो ये एक ऐसा लॉ है जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में ही लागू होता है, वीक इंट्रैक्शन में ये लागू नहीं होता, जैसा कि इस उदाहरण में बताया गया है। पाई प्लस पायोन प्लस प्लस न्यूट्रॉन के बीच एक अभिक्रिया हो रही है और इसमें हमें मिलता है लैम्डा ज़ीरो प्लस के प्लस। पेरिटी कंजर्वेशन, ये भी एक नियम है जिसमें पेरिटी इज़ नॉट कंजर्व इन वीक इंट्रैक्शंस सच एज डिके ऑफ मियोन्स पाई माइनस एट के मीसोन्स। अम्बेर एक्सपेरिमेंटली प्रिडिक्टेड दैट इन रेडियो एक्टिव डिके ऑफ कोबाल्ट 60 पेरिटी इज़ नॉट कंजर्व। तो हम कह सकते हैं कि ये नियम भी थोड़ा सा इस पर रेस्ट्रिक्शन है कि ये वीक इंट्रैक्शन में कंजर्व नहीं रहता, जबकि स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में कंजर्व रहता है, कंजर्व रहना चाहिए। अर्थात इंट्रैक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में जो पेरिटी है, हम जानते हैं कि पेरिटी या तो इवन होगी या ऑड होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड की इंट्रैक्शन की पेरिटी अगर इवन है तो राइट हैंड साइड की भी टोटल पेरिटी इवन होनी चाहिए इस नियम के अनुसार। धन्यवाद।